दरअसल जब मैंने सीखना शुरू किया प्रॉपरली इंडियन क्लासिकल, तब मैं शायद 13 साल की थी। और मेरे जो काका साहेब हैं वो तबला प्लेयर हैं, और घर पे म्यूज़िक का माहौल रहता था। और तो तब पता नहीं था कि मैं क्या करूँगी। फिल्मों के लिए तो दूर दूर तक सोचा भी नहीं था कि कभी फिल्मों के लिए भी गाऊंगी, और बॉलीवुड में आने का कोई भी प्लान नहीं था। तब मेरे काका मुझे एक ठुमरी सिंगर बनाना चाहते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मेरा रुझान, क्योंकि मैं गज़लें और ठुमरीज बहुत सुनती थी बचपन से, तो उनका यही कहना था कि इसे ठुमरी सिंगर बनाना है। लेकिन तब मुझे इतना पता नहीं था, और मैं इतना ज़्यादा सोचती भी नहीं थी कि मुझे क्या करना है। मुझे सिर्फ म्यूज़िक अच्छा लगता था, तो मैं बस उसमें डूबी रहती थी। लेकिन ज़रूर जब मैं मुंबई आई, तो तब ज़रूर मेरा ये एक तरह से कहना चाहिए एम था कि फिल्मों के लिए गाना है, क्योंकि तब दिमाग इतना परिपक्व नहीं था कि फिल्में एक दायरा है, म्यूज़िक तो बहुत वृहद है, बहुत वास्ट है। और तब मुझे पता नहीं था कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे फिल्मों के लिए गाना है और उसके लिए मेहनत करनी है, तो मैं अपने म्यूज़िक को बहुत लिमिटेड कर रही हूँ। एंड नाउ आई हैव कम टू द पॉइंट, नॉट नाउ बट आई थिंक इट्स बीन 2-3 ईयर्स दैट आई हैव बीन मेकिंग माई माइंड कि मुझे अपने म्यूज़िक को लिमिटेड नहीं करना है। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई म्यूज़िक। और बॉलीवुड के लिए येस बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है गाना, लेकिन इसके अलावा भी मैं अपने म्यूज़िक को और ज़्यादा निखारना चाहती हूँ, और ज़्यादा इसे आगे बढ़ाना चाहती हूँ, जो कि हमारा हिंदुस्तानी म्यूज़िक इतना पुख्ता है, इतना वृहद है, जिसे हम लिमिट नहीं कर सकते। तो मेरा मानना ये है अब कि फिल्मों के लिए गाना तो अपनी एक अलग बात है और बहुत रोमांचक है, लेकिन मुझे लगता है कि म्यूज़िक को हमें लिमिटेड नहीं करना चाहिए, उसका एक दायरा बना कर कि फिल्मों के लिए ही गाना है, क्योंकि म्यूज़िक बहुत वास्ट है और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे एरियाज़ हैं। तो मैं ज़रूर चाहती हूँ कि मैं अपने म्यूज़िक को दुनिया भर में हर जगह, जो हिंदुस्तानी प्योर म्यूज़िक है, उसे पहुँचा सकूँ लोगों तक। जहाँ तक हिंदुस्तानी क्लासिकल की बात है, मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं सीख रही थी इंडियन क्लासिकल यहाँ रीवा में, तो तब मैं कुछ प्रतियोगिताएं जो होती हैं स्टेट लेवल और नेशनल लेवल की, उसमें मैं पार्टिसिपेट किया करती थी। और इनफैक्ट एक बार बहुत अच्छा हुआ था और मैं काफ़ी आगे तक हिस्सा ले पाई थी इंडियन क्लासिकल, प्योर क्लासिकल में, जहाँ पर ख्याल और बड़ा ख्याल ये सब चीज़ें गाई जाती हैं। लेकिन दिन ब दिन जब मैं सीखते सीखते मेरा रुझान ठुमरीज और गज़लों की तरफ ज़्यादा हुआ, और तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो जो बेसिक ख्याल गायकी है उसमें ना जाकर मुझे ठुमरीज और गज़लों की तरफ जाना है। तब मैंने अपना दिमाग बनाया कि नहीं, मुझे इस तरफ जाना है। और उसके बाद में डेफिनेटली फिल्मों के लिए भी मैं कोशिश करती रहती हूँ। लेकिन ये डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि ये एक दायरा नहीं होना चाहिए किसी भी सिंगर या किसी भी आर्टिस्ट के लिए। अपने कला के दायरे को हमेशा वास्ट रखना चाहिए, कला के दायरे को कभी संकुचित नहीं करना चाहिए, ताकि उसे एक्सप्लोर करने के नए नए तरीके आप तक हमेशा पहुंचते रहें और आप उसे एक्सप्लोर करते रहें दिन ब दिन, क्योंकि म्यूज़िक एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। और उसे अगर हम लिमिटेड कर दें कि जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं एक गज़ल सिंगर हूँ, या मैं कहूँ कि मैं एक प्लेबैक सिंगर हूँ, या मैं कहूँ कि मैं एक भजन सिंगर हूँ, तो मैं अपने दायरे को घटा रही हूँ। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक इंडियन म्यूजिशियन हूँ जिसे सब चीज़ें करना अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उसकी स्पेशलिटी किसी चीज़ में हो सकती है, जैसे हम लोग इतने लोगों को सुनते आ रहे हैं, जैसे कि इंडियन क्लासिकल में हम लोग उस्ताद आमिर खान साहब को सुनते आ रहे हैं, उस्ताद राशिद खान साहब को सुनते आ रहे हैं, तो इस तरह से। और ठुमरीज में मुझे बेहद पसंद थी गिरिजा देवी जी की ठुमरी गायक, जो उनका गायन था वो मुझे बेहद पसंद था। तो पंडित अजय चक्रवर्ती जी का मुझे ठुमरी स्टाइल बहुत अच्छा लगता है।
दरअसल बचपन से ही मेहदी हसन साहब को और गुलाम अली साहब को मैंने बहुत सुना है, इसलिए शायद गज़लों की तरफ मुझे ज़्यादा रुचि हुई। और मेहदी हसन साहब को इसलिए क्योंकि उनकी गायकी में इतना सुकून है, इतना इतना ठहराव है, कोई भी मुश्किल से मुश्किल बात वो इतनी आसानी से बड़े सुकून के साथ में कहते हैं। उनका जो कहने का अंदाज़ है, गज़ल, एक ऑथेंटिक गज़ल अगर आपको सुननी है तो मुझे लगता है मेहदी हसन साहब को ही सुनना चाहिए। एंड देन गुलाम अली साहब, जिनकी एक अलग रूह है, एक पंजाबी जो टप्पे होते हैं, जो जो एक अलग तरह की उनकी गायकी है जिसमें अलग खुशबू है, पंजाबी और उत्तर भारतीय मिक्स जो एक खुशबू है वो सिर्फ और सिर्फ गुलाम अली साहब में विद फुल असर जिसको कहते हैं कि उतना ही असर है उनके गाने में। जितनी भी मुश्किल गज़लें गाएं लेकिन वो बहुत आसान लगती है जब वो गाते हैं, तो ऐसा इस कारण से मुझे गुलाम अली साहब बहुत पसंद है। बाद में मुझे मैडम नूर जहाँ जी को सुनने का मौका मिला, उनकी गज़लों में बहुत सादगी है और बहुत जो अदायगी है, बहुत नटखट अदायगी है उनकी, वो मुझे बहुत पसंद है। एंड आई थिंक आई हैव वेरी अ लॉट ऑफ फेवरेट्स इन डिफरेंट जॉनराज। जैसे हरिहरन जी की गायकी मुझे इसलिए बहुत पसंद है गज़लों में क्योंकि उनकी गायकी, अगर आप एक गज़ल गा लीजिए तो आपके गले का रियाज भी हो जाता है और ये भी पता चल जाता है कि कितना ध्यान रख के गाना पड़ता है, जो कि वो बात करते करते गा जाते हैं। जैसे कि मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था जिसमें वो कहते हैं कि गज़ल ऐसा होना चाहिए कि जैसे आप बात कर रहे हों और वैसे ही गानी चाहिए, और जब वो गाते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे वो बात कर रहे हों, लेकिन अगर हम गाने की कोशिश करें तो लगता है कितना कठिन है। तो ये उनकी स्पेशलिटी है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है कि उनके जैसा इतना रियाज और इतना सधा हुआ कैसे गाऊं कि उनकी बात जो उतार लूं अपने अंदर, कि बात करते हुए कैसे गा सकते हो आप। तो होपफुली समडे जब मैं सारे गामा में थी तब पता नहीं, तब भी मैंने सोचा नहीं था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं प्लेबैक करूँगी या मैं मुंबई जाऊँगी। मेरा एम यही था कि मुझे म्यूज़िक प्रोफेसर बनना है और उसके लिए पढ़ाई भी कर रही थी मैं म्यूज़िक में, लेकिन फिर मैं मुंबई आ गई सारे गामा में, और सारे गामा के बाद से ये सब दिमाग में आना शुरू हुआ कि अब प्लेबैक के लिए भी मेहनत करनी है। क्योंकि वहाँ पर जब देखती थी, शंकर महादेवन जी मेरे कोच थे और मेरे मेंटर थे इनफैक्ट, और आदेश श्रीवास्तव जी थे जो कि नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच, और प्रीतम सर थे एंड हिमेश जी थे। तो तब वहाँ पर जाने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्लेबैक में भी मेहनत करनी है, और उसके बाद यस, मैंने डेफिनेटली प्लेबैक के लिए भी मेहनत करनी शुरू की। पर पता नहीं था कि मेहनत कैसे करते हैं प्लेबैक के लिए, क्योंकि रीवा की एक लड़की जो अचानक मुंबई पहुंच गई है, और इस फील्ड में कोई भी एक इंसान नहीं है जो मुझे गाइड कर सके कि तुम्हें किस तरह से आगे बढ़ना है। तो पता नहीं था, लोग कहते थे टच में रहो, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि टच में रहने के लिए यू हैव टू कीप मीटिंग देम, यू हैव टू कीप इन टच विद देम। तो बस मैं मुंबई में रहने लग गई थी, मुझे लगा कि हाँ अभी किसी का फ़ोन आएगा तो मैं मुंबई में हूँ तो मैं जा सकती हूँ गाने के लिए। तो लगभग एक साल तो ऐसे ही निकल गया क्योंकि पता ही नहीं था कि, और मैं पवई में रहती थी, उसके पहले एरोली में रहती थी, तो मुझे आदेश जी कई बार बुलाया करते थे रिकॉर्डिंग्स के लिए और बोलते थे कि तुम इतनी दूर रहती हो कि अगर कभी कुछ रिकॉर्ड भी करना है तो तुम्हें बुलाने से अच्छा लगता है कि तुम्हें उतनी दूर से बुलाऊंगा, तुम परेशान होगी, इससे अच्छा कोई आसपास रहता होगा उसे बुला लेता हूँ। तब मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, मुझे इस तरफ ही रहना पड़ेगा जहाँ पर स्टूडियोज़ हैं या आसपास, जहाँ से मैं इजीली ट्रैवल करके जल्दी से जल्दी पहुँच सकूँ रिकॉर्डिंग्स के लिए। तो इस तरह से चीज़ें धीरे धीरे समझ आई, वहाँ रहते रहते समझ आया। देन मैंने लाइव कॉन्सर्ट्स और शोज़ करने शुरू किए, और धीरे 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 अपने आप सीखते सीखते चीज़ें समझ में आई। और लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इंसान सीखता है धीरे धीरे, और आई थिंक खुद से जो सीख कर जो मिलता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है।
जगजीत सिंह साहब को जितना भी याद करें और जितना भी उनके बारे में कहें वो कम है। वो जल्दी तो बहुत चले गए वाकई, और बहुत दुख है इस बात का, लेकिन मुझे लगता है वो हम सब के दिलों में आज भी ज़िंदा हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो संगीत किया है वो अमर है, वो कभी धूमिल हो ही नहीं सकता है। उनकी एक गज़ल है जो मुझे बेहद पसंद है और मैं अक्सर वो गाती हूँ, क्योंकि जो लिरिक्स हैं, हस्ती के लिरिक्स हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं मुझे। कई बार अचरज होता है कि लोग इतना खूबसूरत कैसे सोच सकते हैं, जो कि इतना रेलेवेंट हो किसी की भी ज़िंदगी में। तो वो गज़ल मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहती हूँ, दो लाइनें। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में, नए परिंदों को वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है।